तो दोस्तों माय नेम इज गौरव पद्या और गौरव पद्या के व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो ये मणिलक्ष्मी तीर्थ स्थान है जो कि मानेज गांव में स्थित है और मानेज गांव आनंद जिले से मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वडोदरा से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अंदर चलते हो आपको बताते हैं कि इस तीर्थ में क्या क्या है और क्या नहीं है, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और आप मेरी इस वीडियो को देखने देखने में एकदम लीन हो जाएंगे। तो उससे ये बड़ी अच्छी बात कही, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। तो देख सकते हो ये इसका भव्य गेट है, मणिलक्ष्मी तीर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर आपको गाड़ी जो पार्किंग होती है वहाँ पर उसकी एंट्री यहाँ पर देनी पड़ेगी और जो गाड़ी है गाड़ी की जो पार्किंग है वो यहाँ पर है। भोजनशाला पास काउंटर ये पढ़ लो, यहाँ पे नौकारसी टाइम है 8 से 9:30 AM और भोजन टाइम है 11:30 AM से 1:30 PM और चौबीस टाइम है 4:45 PM टू 24 के 25 मिनट पहले बंद होगा और ये इसकी प्राइस लिस्ट है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वेटिंग एरिया है। हाँ ये वेटिंग एरिया, मतलब थक जाओ तो यहाँ पे आराम कर सकते हैं। वाओ, यहाँ पर आप फोटो खिंचा सकते हो, बहुत ही बढ़िया सीन ही है। कृपया ट्रेन में बैठे यात्री अपने शरीर को कोई भी हिस्सा ट्रेन के बाहर न निकाले और चालू ट्रेन में चढ़ने उतरने की कोशिश न करें। ये ट्रेन आ रही है इसलिए ये ट्रेन को यहाँ रोक दिया गया है। नहीं, धक्का नहीं मारेगी, एक पटरी पे एक ही इंजन चलेगा यहाँ पे, यूं ऐसा। देखो वो आ गई, अब वो भरा गई और अब ये चली। हाई की तो ये पे टॉय ट्रेन जैसा लग रहा है ना, ये टॉय ट्रेन जैसा लग रहा है ना। कहाँ पे कहाँ कर रहा था मालूम है? हाँ उठी में, इनको नहीं मालूम। वो दीपेश जी को पता है, टॉय ट्रेन में बैठे थे जिसके अंदर हमने टिकट ली थी करीब 1.5 घंटे पहले टिकट ले ली थी हमने। मेन गेट यहाँ का, यहाँ से इंटर होते हैं और ये हमारी गाड़ी, ये हम लोग ये ए लिखा हुआ है क्या? ये मणिलक्ष्मी धाम है लुधियाना पंजाब में और ये है मणिलक्ष्मी धाम वडोदरा का और ये धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ पर बहुत सारी बनी हुई है रहने के लिए। अच्छा वो ए ब्लॉक था, ये बी ब्लॉक उपास रही है। सौभाग्य वाटिका। वाओ ये सीन देखो, ये सीन देखो, श्री पायापुरी तीर्थ, यहीं से दर्शन कर लो, जाने की जरूरत नहीं है। ये धर्मशाला सी जयपुर की कॉपी है क्यों? वो हवा महल बोलते ना जयपुर में। तो सबसे अच्छा जो व्यू है वो ये है धर्मशाला डी। ये VIP कोटेज है लगता। असली है तो भाई सौभाग्य वाटिका में जिसको ये उतरना हो तो यहाँ उतर सकता है। सौभाग्य वाटिका उतरो 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 उतरो। बूट चंपल यहीं उतारो। कीर्ति भोजनालय, खाना के लिए एंट्री। अच्छा सभी को अलग अलग पास दे रहे हैं। तो भाई यदि आप यहाँ खाना खाने के लिए, मतलब भोजन करने के लिए यदि आते हो तो 6:20 के पहले आ जाना, जिससे कि आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। पीवाणु पानी, हाथ धोवाणु पानी, थाली यहाँ मुकवी, मतलब खाना खाने के बाद थाली यहाँ पर रख देने का। Morning call.
너와 시작하는 하루 끝이 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 चलो भाई से ऐसा नहीं लगता कि आंधी की तरह आए थे ना, तूफान की तरह चले गए अपन। मतलब खाना इतनी स्पीड से खाया आई हूँ। तो दोस्तों यदि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर पेड़ पे एक स्कैनर है, उस स्कैन को स्कैन करके और फिर इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जैसे ये हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी जानकारी आ जाएगी। आप इसको पढ़ो कि ये क्या है। नीम का है। नीम का है, तो नीम के बारे में पूरा वर्णन कर दिया गया है। दूर से ऐसा लगता है कि जैसे कि कलश है, लेकिन कलश तो है लेकिन इस कलश के अंदर पानी है। तो यहाँ पे ऐसे कलश बहुत सारे हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, पानी पी सकते हैं। वो हवा महल कितना अच्छा दिख रहा है। सौभाग्य वाटिका और डी के 1000 रुपीज। मतलब ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे वीआईपी ज्यादा हो वैसा कुछ नहीं, सबका सेम है। या फुल हो जाती है क्या? सैटरडे संडे को आना हो तो बुकिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। चल सली एक बार देख, आ तो सही। क्या आवाज देखा